हरे कृष्णा डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 13 टाइम। ओके, आप सब लोगों ने अपने अपने घर में घड़ी देखी होगी। ओके, घड़ी में टाइम देखा होगा। ओके, सो हम देखेंगे कि टाइम को कैसे देखा जाता है। लुक एट द क्लॉक, द हवर हैंड इज एट 3। ओके, इसमें ये वाला छोटा वाला कांटा जो होता है बोलता है हवर हैंड, और जो बड़ा वाला कांटा होता है उसको बोलते हैं हम लोग मिनट हैंड। मतलब ये कांटा जिस भी नंबर पर रहता है उतने बजे हैं। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि द मिनट हैंड इज एट 12। मिनट हैंड 12 पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं, क्योंकि मिनट हैंड जब 12 पे होता है और छोटा वाला कांटा जब किसी भी नंबर पे होता है तो उतना टाइम होता है। जैसे छोटा वाला कांटा यदि 4 पर है और मिनट हैंड 12 पर है तो 4 बजे हैं। छोटा वाला कांटा यदि 5 पर है और मिनट हैंड यदि 12 पर है तो कितने बचेंगे, 5 बजेंगे, ठीक है। ऐसे सो द टाइम बाय दिस क्लॉक इज 3 o'clock or 3, ठीक है। कितना बजेगा, 3 बजेगा। द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्लॉक इज कॉल्ड मिनट हैंड। जो लॉन्ग हैंड होता है क्लॉक को उसको हम बोलते हैं मिनट हैंड, एंड शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड आवर हैंड हैंड। ओके, नाउ देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स एक दिन में, ठीक है। द आवर्स हैंड टेक 1 hour टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट। जो हवर का जो हैंड होता है वो कितना टाइम लेता है, 1 hour लेता है पूरा एक नेक्स्ट नंबर पर जाने के लिए। जैसे कि इसमें देखो, ये 11 बज रहे हैं अभी, इस पे हम लोग ये वाला जो है पूरा 1 hour होगा, उसके बाद ये वाला जो कांटा है ये 12 पे आ जाएगा तो 12 बज जाएंगे। तो 11 के जस्ट 1 hour बाद 12 बजते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट नंबर पर जाने के लिए कितना घंटा लेगा, 1 hour लेगा। इट कम्प्लीट्स 1 round ऑफ द क्लॉक फेस एवरी 12 hours। ओके, पूरा क्लॉक फेस ये पूरा कंप्लीट कर देता है, कब, 12 hours के बाद, मतलब 12 hours के बाद ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है। ओके, द मिनट हैंड हाउएवर मूव्स फास्टर देन द आवर हैंड। जो मिनट हैंड होता है वो जल्दी जल्दी चलता है। आप लोगों ने देखा होगा एक कांटा कंटिन्यू चलता है, हर सेकेंड चलता है ना, वो कौन सा होता है, वो होता है मिनट हैंड, ठीक है। एंड कम्प्लीट्स 1 round ऑफ द क्लॉक फेस इन 1 hour, और पूरा कंप्लीट कर लेता है 1 hour में, ठीक है। नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज नंबर 1। ओके, राइट द टाइम, यहाँ पर आपको टाइम बताना है, ठीक है। यहाँ पर जो मिनट हैंड है 12 पर है और आवर हैंड काय पे है, 6 पर है। तो कितना टाइम हो रहा है, 6 o'clock, राइट। उसके बाद छोटा कांटा यहाँ पर 5 पर है और बड़ा वाला 12 पर है। तो जो मिनट हैंड है वो 12 पर है और जो आवर हैंड है वो काय पे है, 5 पर है। तो कितना टाइम हो रहा है, 5 o'clock। देन अभी कितना टाइम हो रहा है, छोटा वाला जो आवर हैंड है वो 11 पर है और जो मिनट हैंड है वो है 12 पर। तो कितना टाइम हो रहा है, 11 o'clock, ठीक है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, देयर आर डैश आवर्स इन अ डे। कितने आवर्स होते हैं एक दिन में, 24 आवर्स इन अ डे। नाउ नेक्स्ट, द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्लॉक इज ऑल्सो कॉल्ड। लॉन्ग हैंड जो होता है उसको हम और क्या बोल सकते हैं, मिनट हैंड। क्या बोलते हैं, मिनट हैंड। द शॉर्ट हैंड ऑफ द क्लॉक इज ऑल्सो कॉल्ड। शॉर्ट हैंड जो होता है उसको हम ऑल्सो और क्या बोल सकते हैं, आवर हैंड। ओके, ठीक है। द लॉन्ग हैंड कंप्लीट्स 1 round ऑफ द क्लॉक इन। जो लॉन्ग हैंड होता है वो कंप्लीट करता है 1 round क्लॉक फेस का, कितने, 1 hour में, 1 hour में। वो मिनट्स का जो होता है, लॉन्ग हैंड जो होता है, मिनट हैंड बोलते हैं उसको हम, वो कंप्लीट करता है पूरा एक सर्कल कितने में, 1 hour में, 1 hour में, ठीक है। नाउ इट्स रीडिंग टाइम, हाफ एन आवर इज 30 minutes। जो आधा घंटा होता है वो क्या होता है, 30 minutes होता है, राइट। आधे घंटा अगर हो गया है तो उसको मिनट में हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा वो, 30 minutes। और यदि क्वार्टर ऑफ एन आवर, 1 hour का जो क्वार्टर होता है उसको हम बोलते हैं 15 minutes। क्या बोलते हैं, 15 minutes बोलते हैं, राइट। आधे घंटे को हम बोलते हैं 30 minutes, और क्वार्टर जो होता है आवर का उसको बोलते हैं हम 15 minutes, ठीक है।
हाफ पास्ट ऑफ द आवर. द मिनिट हैंड इज एट सिक्स. ओके, हाफ पास्ट मतलब, हाफ पास्ट मतलब आधा घंटा. उसको हम कैसे बोलेंगे, देखो मिनट का जो साइन है वो हमेशा कब किस पर हो, सिक्स पर हो, राइट. क्योंकि आवर का जब होता है तो ट्वेल्व पर होता है ना. तो अब ये जो मिनट वाला हैंड है ये जब सिक्स पर होगा तो हाफ एन आवर होगा, ठीक है, सिक्स पर होगा. दिस मीन्स हाफ एन आवर हैज पास्ड. इसका क्या मतलब होगा कि आधा घंटा निकल चुका है, ठीक है, आधा घंटा निकल चुका है. द आवर हैंड इज हाफ वे बिटवीन वन एंड टू. और जो आवर हैंड होता है वो वन और टू के बिल्कुल बीच में होगा, ठीक है, मतलब आधा घंटा. क्योंकि जब ये वन और टू के बीच में है तो आधा घंटा, जब ये टू पर आ जाएगा तो एक घंटा हो गया, एक और दो के बीच में एक घंटा हो गया. लेकिन जब इन दोनों के बीच में रहेगा आवर हैंड तो क्या हो जाएगा, आधा घंटा, ठीक है. सो द टाइम इज हाफ पास्ट वन और 1:30, ठीक है. तो हम क्या बोलेंगे कि टाइम हम लोग देखते हैं जब, क्या बोलते हैं कि हाफ पास्ट हो गया मतलब डेढ़ बज गए, ठीक है, या क्या बोलते हैं 1:30, 1:30 हो गया, राइट. सो वी राइट इट एज 1:30. ओके, क्या बोलते हैं हम लोग कि डेढ़ बज गया मतलब 1:30 हो गया, राइट. नेक्स्ट इज क्वार्टर पास्ट द ईयर. द मिनिट हैंड इज एट 3. मिनिट हैंड जो है वो 3 पर होगा. दिस मीन्स क्वार्टर पास्ट. इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर पास्ट बोलेंगे इसको. क्वार्टर पास्ट बोलेंगे मतलब 15 मिनट निकल गए, ठीक है. जब 3 पर आएगा कांटा तो जैसे 12 से 3 पर आ गया जब बड़ा कांटा, मतलब मिनट्स का हैंड जब 12 से 3 पर आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं 15 मिनट, मतलब क्वार्टर पास्ट. 15 मिनट हो गए मतलब क्वार्टर पास्ट हो गया, राइट. द आवर हैंड इज बिटवीन 2 एंड 3 बट नियरर टू 2, ठीक है. जो आवर हैंड होता है वो 2 और 3 के बीच में होता है लेकिन 2 के ज़्यादा पास होता है. क्योंकि दोनों के बिल्कुल बीच में हो जाएगा तो आपका हाफ एन आवर हो जाएगा. तो 15 मिनट ही निकले अभी, तो इसीलिए ये 2 के थोड़ा सा पास होगा, राइट. द टाइम इज क्वार्टर पास 2 और 2:15, ठीक है. हम बोलते हैं ना 2:15 बज गए, 2:15 हो गए, वैसे, ठीक है. तो वी राइट इट एज 2:15, राइट. नेक्स्ट इज क्वार्टर टू द आवर. ओके, द मिनिट हैंड इज एट 9. ओके, इसमें क्या होता है, मिनिट हैंड जो है वो काय पे आ रहा है, 9 पर आ रहा है, मतलब सिर्फ इतना सा पार्ट बच रहा है एक घंटा होने में. तो एक घंटा होने में कितना कम, 15 मिनट्स कम, ठीक है. तो ये 12 से कांटा 3 पर आया, जो मिनट हैंड है 12 से 3 पर आता है तो क्या हो जाता है, 12 से जब 3 पर आएगा तो 15 मिनट हो जाते हैं. 3 से जब ये कांटा चलता चलता 6 पर आ गया तो हाफ एन आवर हो गया, ठीक है, 30 मिनट्स हो गए. और जब 6 से चल के 9 पर आ गया तो कितने मिनट्स हो गए, 45 मिनट्स. उसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर ऑफ द टू द आवर. मतलब जैसे हम बोलते हैं ना 2:45 हो गए, 2:45 हो गए, 2:45 हो गए, ऐसे बोलते हैं ना. द मिनिट हैंड इज एट 9. दिस मीन्स क्वार्टर 2, ठीक है. इसको क्या बोलेंगे, क्वार्टर 2. द आवर हैंड इज बिटवीन 2 एंड 3 बट नियरर टू 3. जो अब इसमें क्या होगा, जब आवर हैंड जो है वो 2 और 3 के बीच में होगा लेकिन पास में किसके होगा, 3 के पास में होगा, राइट. 3 के पास में होगा, ठीक है. द टाइम इज 2:45. तो टाइम क्या हो जाएगा, 2:45, ठीक है. और 2:45 भी हम इसको बोल सकते हैं, राइट. वी राइट इट एज 2:45. ओके, व्हेन द मिनट हैंड इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्लॉक वी रीड इट एज 2 द आवर. व्हेन द मिनट हैंड इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द क्लॉक वी रीड इट एज पास्ट द आवर. ओके, मीन्स जब मिनट का जो हैंड होता है, मिनट का हैंड होता है लेफ्ट हैंड साइड होगा, इस साइड होगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वी रीड इट एज टू द आवर, ठीक है. और जब इस साइड होगा, व्हेन द मिनट हैंड इज ऑन राइट साइड, राइट हैंड साइड, वी रीड इट एज पास्ट द आवर. मतलब जब इस साइड होगा मिनट का, जब हम बोलेंगे कि जो टाइम है वो निकल रहा है, एक घंटा जो है वो पास्ट हो गया है, निकल गया है, राइट. नाउ एक्सरसाइज 2. Write the time as indicated in each clock. Okay? Practice करेंगे हम लोग, ठीक है. इसमें क्या हो रहा है, क्वार्टर पास्ट सिक्स हो रहा है. तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब छोटा काटा जो है आवर हैंड जो है सिक्स पर है और जो बड़ा काटा मीन्स
जो मिनट हैंड है वो किस पे है, थ्री पर है, तो ये क्वार्टर पास्ट सिक्स हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, 6:15, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, राइट। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 7 पे है आवर का जो काटा है वो, और जो मिनट का हैंड है वो 9 पर है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वार्टर टू, क्या हो जाएगा, क्वार्टर टू, ओके, क्वार्टर टू 7, राइट, क्योंकि 7 बजने वाले हैं, 7 में टाइम हो रहा है, ठीक है, 7 बजने वाले हैं, इसीलिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6:45, राइट। नेक्स्ट वन इज थर्ड, यहाँ पर जो आवर हैंड है वो 10 पर है, ओके, और जो मिनट हैंड है वो काय पे है, 6 पे है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एन आवर, कितना हो जाएगा, हाफ एन आवर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हाफ पास्ट, कितने बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं, तो हाफ पास्ट 10, मतलब 10 बज के आधा घंटा हो गया है, इसको कैसे लिखेंगे, 10:30, राइट। नेक्स्ट इज फोर्थ, यहाँ पर छोटा काटा जो है वो 4 और 5 के बीच में है ना, और बड़ा जो है वो 6 पर है, मिनट का हैंड जो है 6 पर है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ पास्ट 4, राइट, एंड 4:30, टाइम इज 4:30, मतलब 4:30 बज रहे, ठीक है। नेक्स्ट इज जो आवर हैंड है वो 12 पर है, जो मिनट हैंड है वो काय पे है, 9 पे है, तो क्या हो जाएगा ये, क्वार्टर टू 12, राइट, क्योंकि 12 बजने वाले हैं, राइट, तो कितना हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11:45, क्योंकि 11 बजकर कितने 45 मिनट्स हो गए, 45 मिनट्स, उसके बाद जब ये पूरे 60 मिनट्स हो जाएंगे तो 12 बज जाएंगे, ठीक है। लास्ट वन इज हावर हैंड है जो 10 पर है और जो मिनट हैंड है वो 3 पर है, ठीक है, तो कितना टाइम हो रहा है, क्या बोल सकते हैं हम इसको, क्वार्टर पास्ट 10, ठीक है, 10:15 हो रहे हैं, 10:15, 10:15 मतलब 10:15 हो रहे हैं, ओके। नाउ यू विल प्रैक्टिस एट योर होम टू सी क्लॉक, राइट।